वेलकम बैक टू आवर चैनल टीम स्कॉर्पियन गाइस, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, और बीसीएस टोट नाम से एक टाइटल लेके चल रहे थे हम लोग, ठीक है, जिसमें हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में और एमसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में, दोनों में चलता है। आज जो हम लोग देने वाले हैं, ठीक है, उसमें बीसीएस 54 नाम से ये बीसीए में होता है और एमसीए में होता है MCSC 004 नाम से। नाम होता है इसका न्यूमेरिकल टेक्निक्स। और अगर BCA की बात की जाए तो BCA में इसका नाम न्यूमेरिकल टेक्निक्स, जबकि MCA वाले सिलेबस में इसका नाम हो जाता है न्यूमेरिकल टेक्निक्स एंड कंप्यूटिंग, ठीक है, जिसमें आपका थोड़ा सा पार्ट जुड़ा होता है, ठीक है, स्टैटिकल के बारे में। एक्चुअली में स्टैटिकल टेक्निक्स आप लोग का BCA वाले सिलेबस में एक अलग से ब्लॉक हो जाता है पूरी तरीके से, जबकि MCA वाले में इसका एक पार्ट सेपरेट होता है। आज हम लोग जो जानने वाले हैं वो इस न्यूमेरिकल टेक्निक्स के बारे में कि BCA वाले सिलेबस में और MCA वाले सिलेबस में एक्चुअली में कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, हमको किस तरीके से पढ़ाई करना है, कौन से कंसाइज वे में पढ़े हम लोग कि सारे सिलेबस भी कम्प्लीट हो जाएँ और नंबर भी अच्छे आ जाए हमारे, ठीक है। आज जो पढ़ने वाले हम लोग वो है BCA 54 के बारे में, उसका ओवरव्यू मीन्स क्या हुआ कि कितने ब्लॉक्स हैं और किस तरीके से पढ़ाई करनी है। दोस्तों जो BCA वाला सिलेबस है, ठीक, उसमें तीन ब्लॉक्स हैं कुछ ऐसे इस तरीके से, ठीक है। और अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करें तो इंजीनियरिंग में भी न्यूमेरिकल टेक्निक्स का जो एक अलग से सेपरेट चलता है, नाम होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वॉल्यूम 3, ठीक है, यशचंद की बुक होती है, बीटेक वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं इसको, ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग इसको देखने वाले हैं इग्नू के ब्लॉक को कवर करेंगे। पहला जो ब्लॉक है, ठीक है, उसमें यूनिट 0 नाम से एक है, जिसमें आपको एक्चुअली में क्या करना है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का डेफिनेशन दिया हुआ है, कुछ एरर्स के बारे में बताए गए हैं, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन वगैरह बताया गया है। लेकिन बात करें अगर इसकी कि किस तरीके से इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो एक्चुअली इस पर क्वेश्चन आई थिंक 1 से 2 नंबर का आता है, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन हम इसमें जो जनरल चीज़ें होंगी वो चीज़ हम इसको कवर कराएंगे, तो इसमें आपको ज़्यादा माथा खपाने की जरूरत नहीं है। जो यूनिट 1 है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाम होता है कंप्यूटर अरिथमेटिक, ठीक। कंप्यूटर अरिथमेटिक में एक्चुअली में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन चलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पर, ठीक है। उसके बाद में अगला जो यूनिट 2 होता है, यूनिट 1 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस पर वीडियोज अच्छी से मिलेंगे आपको, ठीक है। यूनिट 2 जो हो जाएगा हमारा वो एक्चुअली आता है लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन जो होता है वो गॉस सीडल और गॉस एलिमिनेशन कुछ ऐसे मेथड्स होंगे, ठीक है, जो बीसीए और एमसीए दोनों सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर बार इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। उसके बाद में जो थर्ड यूनिट है वो आपका है नॉन लीनियर, अभी तो लीनियर था, उसके बाद में नॉन लीनियर आ जाता है, नॉन लीनियर इक्वेशन, इनको सॉल्व करके इनका रूट्स वगैरह निकालना होता है, जैसे बाइसेक्शन मेथड हुआ, ठीक है, और बहुत सारे मेथड हैं, रेगुलर फॉल्सी हुआ, कुछ ऐसे मेथड, ठीक। इसी पर अगर बात करें तो फर्स्ट ब्लॉक हमारा कंप्लीट होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा सेकेंड ब्लॉक की तरफ बढ़े हम लोग तो सेकेंड ब्लॉक एक्चुअली ऑपरेटर्स पर होता है। यूनिट 2 की बात करें तो इसमें हम आते हैं ऑपरेटर्स की तरफ। ऑपरेटर्स एक्चुअली में ऑपरेटर्स में क्वेश्चन केवल यही आते हैं कि ऑपरेटर्स डेल्टा हुआ, नेपला हुआ, इन सब का यूज क्या है, उनमें रिलेशन क्या है, उनमें रिलेशन किस तरीके से स्टेबलाइज होता है, उनका सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से उनकी वैल्यू निकाली जाती है, इस पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला जो आता है इसका, ये यूनिट फर्स्ट का होगा, ठीक है, यूनिट 2 के अंदर, ठीक है, सॉरी ब्लॉक 2 के अंदर। और उसके बाद में सेकंड इसका जो टॉपिक होगा वो आता है इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन। हमारे जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होता है कि एक्चुअली इंटरपोलेशन में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। इंटरपोलेशन में हम लोग एक्चुअली पढ़ते हैं क्या कि न्यूटन्स मेथड पढ़ते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड और बैकवर्ड वगैरह ऐसा कुछ डिवाइड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, ठीक। तो इंटरपोलेशन पढ़ेंगे इसमें, और उसमें दो टाइप का होता है, ठीक है, इक्वल और नॉन इक्वल या अनइक्वल कह सकते हो आप, ठीक है।
ये दो मेथड पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक, दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। इसमें नॉन लीनियर इक्वेशन में मस्ट 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आ जाता है लगभग हर बार में, ठीक है। लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन में भी 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, 100 मार्क का पेपर होता है एक्चुअली, ठीक है। अर्थमेटिक में से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक। ऑपरेटर से अगर आता है तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक। इक्वल और नॉन इक्वल में से कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, या तो इक्वल आएगा जिसमें डिफरेंस टेबल जनरेशन होता है, उसके बाद में अगर आएगा क्वेश्चन पूरी तरीके से तो आइदर 10 मार्क्स आइदर 5 मार्क्स कंसिडर करते हैं इसमें, ठीक। अब अनइक्वल और इक्वल के साथ साथ में ही ये यूनिट 2 हमारा कवर हो जाता है। यूनिट 3 की बात करते हैं अगर हम लोग, तो इसमें कुछ इस तरीके से न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है। जो ब्लॉक 3 है हमारा वो पूरी तरीके से प्रपोज्ड है हमारे डिफरेंशिएशन पर, ठीक। डिफरेंशिएशन में हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से मिलते हैं, जैसे बेसल्स फार्मूला हुआ, लैग्रेंज मेथड हुए, ठीक है, और इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड का डिफरेंशिएशन मेथड भी दिखाया गया है। मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा फॉरवर्ड न्यूटन्स के फॉरवर्ड का या बैकवर्ड का, ठीक है। वेसल्स और वेडल फार्मूला, लैग्रेंज मेथड, ठीक है, उनका डेरिवेटिव निकालना होगा, तो वो हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसमें भी क्वेश्चंस आई थिंक 5 to 10 मार्क्स जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं वो इस वाले ब्लॉक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। 5 to 10 मार्क्स का कैरी करता है ये वाला यूनिट, ठीक है। अगला जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन का, नाम होता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होता है कि अगर आपको केवल फार्मूला और अगर उस पर एक क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें आइदर 10 मार्क्स आइदर 15 मार्क्स या तो 10 या तो 15 दोनों में से कोई एक जरूर मिल जाएगा। लेकिन ये बट ऑब्वियस है कि इंटीग्रेशन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और गाइस बात करें अगर ये बड़े वाले क्वेश्चन की जो कि लास्ट में हम लोग को दिया जाता है, ठीक है, वहाँ से इस वाले टॉपिक को कवर किया जाता है। इंटीग्रेशन के साथ साथ में ही उसके बाद में ODE आता है, ठीक है। ODE होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोग कुछ इस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथोलॉजी है, जैसे यूलर्स का मेथड हुआ, ठीक है, और उसके बाद में फिर इम्प्रूव्ड यूलर्स मेथड होता है, RK मेथड्स होता है, ठीक है। BCMC दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्चुअली, दोनों ये RK मेथड हुआ, ठीक है, और इम्प्रूव्ड यूलर मेथड हुआ। RK मेथड और इम्प्रूव्ड यूलर मेथड एक्चुअली दोनों टॉपिक्स आइदर 10 मार्क्स आइदर 20 मार्क्स ऑप्शनल में दे सकता है, तो या तो आप दोनों, भाई दोनों इंपॉर्टेंट है तो पढ़ना तो दोनों पड़ेगा ही। तो ये रहा कुछ ओवरव्यू हम लोग का BCS 54 ब्लॉक का, ठीक है। MCSC 04 में इसी का बस थोड़ा सा इनहेंस है, कुछ जगह पर चीज़ें वेरिएट हो रही हैं, ठीक है, उसमें स्टैटिकल का कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक, वो हम लोग उस टाइम पर देखेंगे जब पढ़ाते हैं। तो अभी के लिए स्टार्टअप जो करना है हम लोग को, अगला जो वीडियो बनेगा हम लोग का वो होगा कि सिग्निफिकेंट डिजिट, जो कि हमारा कंप्यूटर अर्थमेटिक नहीं, यूनिट 0 में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या होती है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।